हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल हिंगोले और आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिट करने वाला हूँ अपने टाटा नेक्सॉन में आर्मरेस्ट। तो आपको अभी दिखाऊंगा ये कैसे दिखता है। तो ऐसे कुछ दिखता है। तो आर्मरेस्ट यहाँ पर फिट होगा और ये आर्मरेस्ट में जो फिट करने वाला हूँ बहुत यूनिक किस्म का आर्मरेस्ट है। ये आर्मरेस्ट में कंपनी से नहीं फिट कर रहा हूँ, ये कंपनी फिटेड नहीं है। ये थोड़ा मैं अपना दिमाग लगा के इसको बना रहा हूँ आर्मरेस्ट को, और ये मैं बना रहा हूँ हमारे इधर एक फर्नीचर वाला है वहां से बना रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आउटकम कैसा आएगा, कैसा लगेगा दिखने में, क्योंकि कंपनी फिटेड जो आर्मरेस्ट है वो बहुत कॉस्टली है और मुझे इतना वर्थ नहीं लग रहा उसमें डालने के लिए। तो इसको मैं बना रहा हूँ अपने, मतलब एक्चुअली ये आर्मरेस्ट को मैं ऐसा बना रहा हूँ जो मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे मेरे आर्म को रेस्ट करने के लिए इतना उसका यूज आ सके। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कैसा लगता है वो। तो मैं अख्तर भाई के पास आया हूँ। तो अख्तर भाई मेरे हैंडरेस्ट का साइज ले रहे, मेजरमेंट ले रहे। तो मैंने उनको बताया कि कैसा बनना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ हैंडरेस्ट बनाएंगे हम कि जब भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर मेरे को कुछ ग्लास वास डालना है तो इसको मैं निकाल के रख दूंगा पीछे, तो मैं अपना ग्लास या कुछ रख दूंगा। और जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे इसको चला रहा हूँ और मुझे हैंडरेस्ट लॉन्ग ड्राइव पे चला रहा हूँ और हैंड रेस्ट की जरूरत है तभी मैं इसको रख दूंगा। देखते हैं अभी साइज ले रहे हैं सर प्रोडक्ट कैसा बन के आता है। तो अख्तर भाई कैसे ये, मतलब फिक्स हो जाएगा ना, मतलब हिलेगा नहीं ना गाड़ी चलाने के टाइम, टक 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 आवाज नहीं करेगा ना? नहीं, ठीक है। बनाया कभी अख्तर भाई ऐसा कुछ? बनाया नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बनाया नहीं है, उन्होंने भी कभी बनाया नहीं है बट वो कोशिश कर रहे। सर पूरा फर्नीचर बनाते हैं है ना सर? फर्नीचर पूरा बनाते हैं, सोफा वोफा सब बना लेते हैं। आपको मैं ये देखिए, ये हम सर अभी इसका फर्मा बना रहे हैं। तो ये नीचे का बेस होगा, इसके नीचे लकड़ा आएगा ना सर, नीचे लकड़ी की फिलिंग आएगी और ऊपर गत्ता लगेगा इसके। सो गाइस, फाइनली आर्मरेस्ट बन चुका है और जो रेट में बना है, जो प्राइस में बना है आर्मरेस्ट, वो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और आर्मरेस्ट दिखने में बहुत अच्छा है, आप चेकआउट करें कैसा लग रहा है आर्मरेस्ट। आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी फिटेड नहीं है, बट हाँ ये बाहर से बनाया हुआ है और इसका पूरा एक लुक देखिए, पूरा मैच खा रहा है। तो मैंने एक अच्छा काम क्या किया था, जब भी मैं सीट कवर बना रहा था अपने गाड़ी के लिए तभी मैंने एक्स्ट्रा कपड़े ले लिए थे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने वो जो बना रहे थे उस्ताद जी जो फर्नीचर वाले, उनको मैंने दे दिया। मैंने बोला कि यही कपड़ा चढ़ाओ। तो ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा मैच हो रहा है मेरे सीट के, पूरा मैच हो रहा है। और आप इसका लुक देखिए, इसकी फिटिंग देखिए, एकदम फिट है, हैंड ब्रेक भी डाल सक रहे हैं, सब हो रहा है। स्टोरेज नहीं आएगा इसके अंदर, तो जब भी आपको स्टोरेज चाहिए रहेगा तो इसको उठा के निकालना है। तो ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट कह सकते हैं इसको। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, अगर आप देखेंगे तो इसमें लकड़ा है एक अच्छे क्वालिटी का, उसको पूरा कवर दे दिया है मैंने साइड से जो स्क्रैच नहीं आ सके। ये पोर्टेबल है तो मेरा रिक्वायरमेंट जैसे मेन आपको बताया था, मेरे को खाली आर्मरेस्ट के लिए चाहिए था, लॉन्ग ड्राइव में करता रहता हूँ तो तभी मैं इसको ऐसा रख के मैं इसमें आराम से रेस्ट करके अपने आर्म को देखिएगा आराम से जा सकता हूँ कितने भी दूर। तो अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आप कुछ पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक या कुछ, तभी आप इसको हटा या पीछे डाल सकते हो डिक्की में, तभी आप इधर रख सकते हो, या पीछे कोई नहीं बैठा तो नीचे रख सकते हो। तो मेरे को बहुत यूजफुल लगी ये चीज। ओके गाइस,
तो जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, अगर मेरा वीडियो जरा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और प्राइस की बात करें, ये तो मैंने बोली नहीं, ये प्राइस की बात करें तो ये मुझे 1000 रुपीज में पूरा बन के मिल चुका है। इसके पीछे मुझे 1000 रुपए लगे पूरा लेबर कॉस्ट सब पकड़ के। टिल देन अभी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।